पहले दिन से एक बात कह रहे हैं दोनों फोरम, दोनों फोरमों ने जो दो नियम बनाए हैं उन नियमों को मान के सब लोग आए, सबका स्वागत होगा। मैं आपको ये एक लाइव पंचायत मान लू, मैं ये वादा करता हूँ हम लिखित में दे देंगे पूरे देश के सामने कि ना तो हम माइक के पास जाएंगे दोनों फोरम के लोग, ना मंच के पास जाएंगे, ना मीडिया के पास जाएंगे, ना ही किसी मीटिंग में जाएंगे। जो बाकी साथी हमारे आना चाह रहे हैं वो नियम मान के आ जाएं, माइक भी उन्हीं को देंगे, मंच भी उन्हीं को देंगे, मीटिंग में भी उन्हीं को जाने देंगे, मीडिया के सामने भी वही बात रखेंगे। एसकेएम और एसकेएम गैर राजनीतिक और केएमएम क्या मान के चले कि अब एक होने वाले नहीं है, क्योंकि आज भी दोनों बड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और उग्रहा साहब यहाँ आए थे, उनको मन से बोलने के लिए माइक भी नहीं मिला और चाहे कारण कोई भी रहा हो, और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है और उसके बावजूद कहीं एक जगह आप लोग आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। देखो, हमने मंच से एक अपील करी जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे कि भाई जिन मांगों को पूरा करने के लिए शहीद शुभकर्ण जी शहीद हुए हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए सारे किसान, सारे मजदूर, सारे मुलाजिम, कर्मचारी, सब संगठन मिलजुल के जोर लगाए और उन मांगों को पूरा कराएं। रही बात एक होने की या नहीं होने की, देखो पहले दिन से एक बात कह रहे हैं दोनों फोरम, दोनों फोरमों ने जो दो नियम बनाए हैं उन नियमों को मान के सब लोग आए, सबका स्वागत होगा। मैं आपको ये एक लाइव पंचायत मान लो इसको, मैं ये वादा करता हूं हम लिखित में दे देंगे पूरे देश के सामने कि ना तो हम माइक के पास जाएंगे दोनों फोरम के लोग, ना मंच के पास जाएंगे, ना मीडिया के पास जाएंगे, ना ही किसी मीटिंग में जाएंगे। जो बाकी साथी हमारे आना चाह रहे हैं वो नियम मान के आ जाएं, माइक भी उन्हीं को देंगे, मंच भी उन्हीं को देंगे, मीटिंग में भी उन्हीं को जाने देंगे, मीडिया के सामने भी वही बात रखेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। शुभकरण को आज अंतिम अरदास हो गई, शुभकरण के परिवार को जो आर्थिक सहायता मिलनी थी वो मिली, सरकार ने एक नौकरी दी, लेकिन शुभकरण को इंसाफ कैसे मिलेगा, क्या मान? देखो, आज एक जो यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया है, जो FIR दर्ज की गई है, उस FIR के तहत जो जिन अधिकारियों ने ऊपर से केंद्र सत्र से हो या प्रदेश सत्र से हो जिनने ये आदेश दिया, जिनने ये निर्देश दिया, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, और जो मौके का जो अधिकारी था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया उसको ऊपर कार्रवाई होगी, उसको जेल में भेजा जाना चाहिए। ये लड़ाई लंबी है, 302 की धारा भी लगी है, 114 भी लगी है। 114 का मतलब है किसकी शह पे हुआ, किसके आदेश पे हुआ, वो भी कटघरे में आएंगे। आज नहीं, 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं, 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद नहीं, 2 साल बाद लड़ाई तो होगी। और देखो, अगर कोई ये समझता है कि राज परमानेंट उनका रहेगा, राज तो किसी का परमानेंट नहीं रहा, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो ये लड़ाई ऐसे नहीं बंद होगी। ये इंसाफ की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई। राज किसी का परमानेंट नहीं रहेगा, जब राज बदलेगा तब क्या करेंगे। आपकी एक आपकी मांगों में एक मुख्य मांग लखीमपुर खीरी भी है और टेनी साहब को फिर टिकट दी गई। देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ, इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। जो सरकार किसानों से इतनी नफरत करती हो, मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ये बहुत गंभीर शब्द है, जो नफरत करती हो, भाई 4 किसान और एक पत्रकार भाई को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया, जिस आदमी ने कुचलवाया उसको टिकट दी जा रही है, जो 120 का दोषी है उसको टिकट दी जा रही है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है 2024 के चुनाव में भी, हो सकता है 2024 के में नहीं तो हो सकता है 2029 के चुनाव में, जिस ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 21 तारीख को खनौरी पे गोली चलवाई, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसको भी टिकट दे दे अब की बार, नहीं तो 2029 या 2034 में वो भाजपा का लोकसभा या विधानसभा का उम्मीदवार हो सकता है। हैरानी नहीं होनी चाहिए। जब सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने के तैयार नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा, आखिरी सवाल सिर्फ यही कि आंदोलन अब जहां आप लोग हैं वहीं चलेगा, शांतिपूर्ण चलेगा और लंबा चलेगा? हाँ, लंबा आंदोलन चलेगा, चाहे चुनाव की आचार संहिता लगे, चाहे कुछ भी हो, आंदोलन लंबा चलेगा, मजबूती से चुनाव आयोग कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, आप लोग हटने वाले नहीं? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता है हमारी मांगे पूरी करा दे, हम उल्टे चले जाएंगे। वादे हैं ये तो प्रधानमंत्री जी के, माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरा करा दे, या कोई और कोई नेता या और कोई संगठन उनसे बात करके सरकार वादे पूरे कर दे, अपने सरकार मांग पूरी कर दे, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी घर चले जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।